भरतपुर जिले की पंचायत समिति बयाना ग्राम पंचायत शेरगढ़ की सरपंच श्रीमती हरदेवी गुजर, जिनके सरपंच प्रतिनिधि दीवान सिंह शेरगढ़ ने आरपीडी न्यूज टीम को बताया कि पंचायत के वंचित विकास कार्य को पूरा करवाना और पंचायत क्षेत्र में युवाओं के लिए खेल मैदान बनवाना मेरा प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं बिरबल कड़वा के साथ विशेष बातचीत में समाज सेवी दीवान सिंह शेरगढ़ के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत शेरगढ़ पंचायत समिति बयाना। यहां से जो सरपंच हमारे साथ है, युवा सरपंच है, उनसे विशेष बातचीत करने जा रहे हैं दीवान जी शेरगढ़। उनसे विशेष रूबरू हो रहे हैं कि इनके पंचायत के क्या मुद्दे हैं, क्या एजेंडे हैं। विशेष तौर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि दीवान जी शेरगढ़ हैं वो काफ़ी युवाओं में काफ़ी चर्चित है और इनका खुद का छात्रावास है, सिख और साथ में स्कूल भी है और गुजर आंदोलन के अंदर भी इनकी अहम भूमिका रही और प्रदेश लेवल में भी इनका पद रहा। कांग्रेस से इनका विशेष तौर से वर्तमान में जुड़ाव है। अब इनसे पूछते हैं कि पंचायत के सरपंच बनने के बाद में क्या डेवलपमेंट है और क्या उपलब्धियां पंचायत की, क्या समस्या है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं बिरबल कड़वा जी, आपका जो चैनल है आरपीडी न्यूज़ राजस्थान, उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ पधारे। मेरी समस्त ग्राम पंचायत की जनता की तरफ से आपका आभार। जी सर, आपका भी। आपने जो हमसे पूछा है पंचायत के बारे में, जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं पंचायत चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन गांव के लोगों ने आकर के मुझसे कहा कि आप चुनाव लड़ें। जी जी। पहले मैं गुजर आरक्षण आंदोलन से जुड़ा हुआ था, लेकिन जब 5% आरक्षण मिल गया, जी, तब हमने सोचा कि क्यों ना अब हम समाज सेवा के लिए राजनीति करें। जी जी। तब लोगों ने कहा तो मैं चुनाव में खड़ा हुआ, क्योंकि गांव की जो पंचायत की जो कंडीशन थी वो बेहद खराब थी। पूरे गाँव में विशेष से कीचड़ की समस्या थी। जी जी जी। तो आज आप देख सकते हैं मेरी पंचायत में जाकर के कि आपको कीचड़ कहीं नजर नहीं आएगा। जी जी। क्योंकि मैंने पंचायत में जो गांव है मेरा शेरगढ़, उसका नाला निकाला है, पानी की निकासी की है, फिर सड़क बनवाई, नालियां बनवाई। जी जी। काफी मैंने विकास किया है ग्राम पंचायत का और आगे अभी तो 2 साल भी पूरी नहीं हुई मेरी सरपंच की। जी जी। आगे और भी हमने काफी सोच रखा है। जी जी। जैसे हमारे युवा हैं, हमारी पंचायत में युवाओं के लिए कोई खेल मैदान की व्यवस्था नहीं है। जी जी। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिसमें बच्चे वहाँ कोई व्यायाम वगैरह कर सके। जी जी। उसके लिए भी हमने सोचा है कि कहीं ऐसा स्थान बनाएंगे जिससे युवा जो आज को जो मेन चीज से जो खेलों का अगर विकास होता है, सर्वांगीण जो विकास होता है वो खेलों के माध्यम से होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसा हमने सोचा है। वैसे काफी हमें राजस्थान सरकार का सहयोग मिल रहा है। जी जी। नरेगा है, उस नरेगा के तहत काफी हम मुझे काम मिले हैं। जी जी। और मैं उन कामों को करवा रहा हूं। जी जी। और आगे भी जब पंचायत की जो भी योजना है, चाहे वो वैसे आज बता रहे हैं कि 27 तारीख से वो पोर्टल खोल दिया गया है, FFC जो केंद्र सरकार का जो पैसा आता है। जी जी। वो बंद कर दिया था। जी जी। तो काफी पंचायतों को नुकसान हुआ। जी जी। लेकिन अभी हमारे माननीय गहलोत साहब ने एक पत्र लिख करके फिर पुनः उसको खुलवाया है। जी। देखते हैं, काफी समस्या आई थी FFC किस्त में कि हमारा वेतन पेमेंट नहीं हो पा रहा था। जी जी। आज मैंने न्यूज देखी है कि वो खुल गया है। जी जी। देखते हैं आगे क्या होता है। जी जी। और आप जो भी पूछना चाहते हैं पंचायत के बारे में आप पूछे तो बताऊंगा। जी जी। तो जैसे आपने कहा युवा है वो देश का भविष्य है, वर्तमान में यहाँ युवाओं के लिए आपके आगे क्या प्रयास रहेंगे और वर्तमान में आपने क्या करवाया? देखो, सबसे बड़ी बात होती है शिक्षा। जी। ये जो मूलभूत शिक्षा, मूलभूत आवश्यकताओं आती है, शिक्षा, चिकित्सा, सर्वप्रथम ये चीज बहुत मोस्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल। और शिक्षा से तो आप जानते हैं कि मैं शिक्षा से तो खुद ही जुड़ा हुआ हूँ। आप मेरे जो विद्यालय परिसर में खड़े हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने 2001 में स्कूल खोला है। जी जी। और आज तक अनवरत जारी है। जी जी। मैंने स्कूल खोला था तब भी मैंने ये प्रण लिया था कि जो भी गरीब और वंचित और अनाथ जो बच्चे हैं, यानी जिन बच्चों के पिताजी नहीं हैं, उन बच्चों को हमारे स्कूल में हम निःशुल्क शिक्षा देते हैं। लगभग आज 300 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे विद्यालय राजेश पायलट उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्या अध्ययनरत हैं और वो निःशुल्क विद्या अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं हमारे विद्यालय से और बहुत अच्छे अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। हमारे विद्यालय में हर वर्ष
करीब 15 बच्चे तो ऐसे होते हैं जो 90 से ऊपर परसेंट बनाते हैं। जी जी। करीब 2000 बच्चे मेरे विद्यालय में हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण तो शिक्षा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और शिक्षा के लिए हमने काफी ग्राम पंचायत नहीं पूरे क्षेत्र में ही काफी ऐसा नाम किया है अपने विद्यालय का, जो सब लोग जानते हैं पहचानते हैं कि राजेश पायलट उच्च माध्यमिक विद्यालय एक अच्छी संस्था है, उसमें प्रवेश लेना चाहिए हमें, बच्चे लेते हैं। सर साहब बात बीच में रोकना चाहूंगा, क्योंकि अपने ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, चाहे पश्चिमी राजस्थान हो या विशेष पूरे राजस्थान की बात करते हैं, बालिका शिक्षा को लेके आज भी गांव ग्रामीण क्षेत्र में कहीं न कहीं जो न्यूनतम है वो रहता है 50%। तो अपने पंचायत में आप किस प्रकार से मोटिवेट कर रहे हैं, और वर्तमान में यहाँ एजुकेशन लेवल है वो किस प्रकार का है बालिका शिक्षा? देखो, बालिका शिक्षा की अगर हम बात करें, पहले वास्तव में गाँव में लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, लेकिन आज तो स्थिति ये है कि जैसे हमारे स्कूल में 2500 बच्चे हैं तो 1000 बच्चियाँ भी पढ़ती हैं उसमें। जी जी। 1500 बच्चे हैं तो 1000 बच्चियाँ हैं, और हम ये भी समझते हैं कि जो राज्य सरकार है, जो हमारे माननीय लोकप्रिय जननायक, मैं कहता हूँ कि जो भी कुछ कहूँ हमारे मुख्यमंत्री महोदय के लिए वो कम है, उनके सहयोग से आज जो ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे निःशुल्क साइकिल वितरण अभी किया गया है राज्य सरकार द्वारा, और काफी योजनाएं ऐसी बच्चियों के लिए चलाई जा रही हैं जिससे बच्चियां बहुत उनमें जागरूकता है एडमिशन लेने की, पढ़ने की काफी ललक है। और वैसे भी आजकल तो जैसे पंचायत राज संस्था में चुनाव ले लो, उसमें हमारी सरकार ने 50% आरक्षण दिया हुआ है महिलाओं के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और, में चल रही है सर। और हो सकता है आने वाले समय में विधानसभा में भी ये चीज हो जाए। बिल्कुल। तो आप आज की तारीख में तो काफी बालिका शिक्षा पर काफी सरकार का भी जोर है और सभी लोगों का भी अमूमन जोर है। सब लोग अपनी बच्चियों को आजकल तो पढ़ाते ही हैं। सरपंच साहब, आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्या इसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए? जैसे अपने 12वीं तक के है तो प्राइवेट स्कूल भी है, उनको भी कहीं ना कहीं सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तो इसको लेके क्या डिमांडेशन होनी चाहिए? देखो, एक तो मैं राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सबसे ये मैं निवेदन करूँगा कि चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, ये तो निश्चित है कि बच्चे ही पढ़ते हैं, उसमें भी बच्चे ही पढ़ते हैं और इसमें भी बच्चे पढ़ते हैं। तो जो सरकारी स्कूल है उनमें जैसे साइकिल वितरण होना, स्कूटी वितरण होना, स्कॉलरशिप मिलना, ये सारी व्यवस्थाएं प्राइवेट स्कूल में भी लागू होनी चाहिए, जिससे क्या है कि और ज्यादा वहाँ मोटिवेशन होगा बच्चों का, निश्चित है। तो ऐसा होना चाहिए, मैं मेरे हिसाब से सरकार को इस पे तो ध्यान देना चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों में भी ये सारी सुविधाएं की जाए, जिससे कि बच्चे आगे बढ़ सके और पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीका से देखो, सरकार ने अभी एक महत्वपूर्ण योजना चलाई है माननीय गहलोत साहब ने, अति संवेदनशील व्यक्ति है हमारे मुख्यमंत्री महोदय, चिरंजीवी योजना, जो एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना है। मैं तो ये कहूंगा कि लगभग जो बेचारे गरीब आदमी हैं, जैसे बीपीएल परिवार से हैं, खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए हैं या एपीएल हैं, उनको तो स्वतः ही उस बीमा हो गया, उनका तो निःशुल्क 5 लाख रुपए तक का प्राइवेट हॉस्पिटल में भी, सरकारी हॉस्पिटल में 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज है। ये बहुत बड़ा कार्य है, और जो लोग माना कि बीपीएल में नहीं आते, खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए मात्र 850 रुपए में 5 साल तक के लिए बीमा है। जो मैं समझता हूँ कि ये आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ी योजना। वैसे तो अच्छी बात बताई, लेकिन बीपीएल सर्वे 2002 के अंदर हुआ था सर साहब, उसके बाद में आज भी जो वंचित है, शोषित है, उनको भी कहीं ना कहीं लाभ मिलना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिल पा रहा है, इसको लेके भी सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होना चाहिए। देखो, अब काफी समय हो गया बीपीएल सर्वे का, तो पुनः सर्वे होना चाहिए। बीपीएल भी है, जैसे आवास भी है, आवास के लिए भी लगभग 2-3 साल हो गए जो ग्राम सभा में प्रस्ताव लिए जाते हैं आवास के लिए, वो भी अब बता रहे हैं कि 22 में विशेष जो ग्राम सभा होती है उसमें आवास के लिए निर्णय लिया जाता है, वो भी जरूरी है। ये तो समय समय पर होते रहने चाहिए, ये सरकार की योजना है, ये समय समय पर पूरी होनी चाहिए। सरपंच साहब, 2 वर्ष बीतने जा रहे हैं, अपने ग्राम पंचायत की बात करते हैं, तो यहाँ विधायक या अपने सांसद महोदय द्वारा भी कोई ऐसा कुछ बजट मिला पंचायत को जिससे कि विकास हो? देखो, वर्तमान में बयाना से कांग्रेस के विधायक है जी जी, अमर सिंह जाटव जी, उन्होंने मुझे अपने कोठे से एक
सामुदायिक भवन के लिए 5 लाख रुपए की राशि दी है, उसके अलावा मुझे उन्होंने कुछ नहीं दिया है। वैसे काफ़ी लोकप्रिय विधायक हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन ठीक है, जो हर पंचायत को अब जिस तरीका से व्यवस्था कर पाते हैं, कुछ बीच में कोरोना भी आ गया तो उनके पास पैसा भी नहीं था, सरकार ने उनके फंड को वापस ले लिया। हमारे जो MP साहब हैं उन्होंने आज तक हमें हमारी ग्राम पंचायत को कुछ भी नहीं दिया है। बाकी हम मांग करेंगे तो चाहे वो MLA हो चाहे MP हो, ऐसा नहीं है, उनको तो पैसा देना ही है, कहीं भी तो देंगे। बिल्कुल सरपंच साहब, एक बड़ा दायित्व है, सरपंच संघ के अध्यक्ष है बयाना ब्लॉक के, आप और भी जिम्मेदारियां बढ़ गई, वर्तमान में क्या अधिकार पंचायतों को मिलने चाहिए, क्या एजेंडे हैं और नहीं? सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा सरकार से जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि जिस प्रकार से नगर पालिका और नगर परिषदों में आज जो ये प्रशासन गांव के संग जो अभियान चले, उनमें क्या हुआ कि सिटियों में जब अभियान चलते हैं, ये जो मुख्यतः पट्टे वितरण का कार्यक्रम उसमें चलता है जी, आज ग्राम गांव की एक ऐसा कहते हैं कि भारत में 85% जनता गांव में निवास करती है, बिल्कुल, लेकिन सिटियों में तो क्या होता है वो 90B आज 90A बोलते हैं उसको, वो हो जाती है और होकर के और उनको पट्टा मिल जाता है जी, जी। लेकिन ग्रामीण स्तर पे जी, जी। क्या हो रहा है कि पता नहीं आबादी विस्तार कब का हुआ है जी, जी। आबादी विस्तार होता नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में इतनी बड़ी समस्या है कि लोग कम से कम 50 साल से जो आबादी थी वो भी आज ही आबादी वही की वही रखी है, और उस आबादी क्षेत्र में सरकार पट्टा दे रही है, बिल्कुल, जबकि प्रत्येक गांव जो रेवेन्यू विलेज है वो इतना बढ़ गया है कि कम से कम 20-20 गुना उसकी आबादी हो गई जी, जी। लेकिन लोग जब ज्यादा होंगे तो निश्चित रूप से खातेदारी की भूमि में बसेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, अब खातेदारी की भूमि में सरकार पट्टा देती नहीं है जी, जी। क्योंकि जिस प्रकार से सिटियों में नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्र में जिस प्रकार की व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था अगर पंचायती जो ग्राम पंचायत क्षेत्र है उनमें की जाए कि भाई खातेदारी की भूमि है उसमें बस रहे हैं, उनकी कोई जैसे 90A और 90B जो प्रोग्राम वो धारा है उनको जोड़ा जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन लोगों को अपनी बनाए हुए मकान का पट्टा मिल सके, ये महत्वपूर्ण बात है, ये सरकार से मैं कहना चाहूंगा एक सरपंच संघ अध्यक्ष होने के नाते जी, जी। इस पर निश्चित रूप से सरकार अगर गौर करे ना तो ये ग्रामीण क्षेत्रों की काफी बड़ी समस्या है जिसका सोल्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो यह थी हमारी खास मुलाकात बयाना के जो सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं दीवान जी शेरगढ़, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने अपने सरपंच संघ की जो सबसे बड़ी एक मेजर समस्या है गांवों के अंदर पट्टों वाली जो समस्या है उसके बारे में अवगत करवाया, साथ और भी कुछ बातें कहना चाहेंगे जी सर। एक मैं कहना चाहूंगा, वैसे मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला आपके चैनल के माध्यम से जी, जी। कि मेरे ग्राम पंचायत में एक गांव है मोर तालाब जो ऊपर पहाड़ पर बसता है जी, जी। रेवेन्यू विलेज है जी, करीब वहाँ की 250-300 आबादी है जी, आज तक उस गांव के लिए कोई रास्ता नहीं है जी, जी। मैंने मुख्यमंत्री महोदय को रास्ते के लिए एप्लीकेशन दी और उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत तौर पे ये कहा कि ये काम आपका बहुत मतलब गरीब जनता का के लिए काम है, ये आपका काम हो जाएगा जी, जी। वैसे वो काम चल रहा है, लेकिन ऐसे काम होते हैं ना तो ये बहुत बड़ी वो है, ऊपर पहाड़ पे वहाँ जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं जी, जी। वो नहीं मिल पा रही उन गांव के लोगों को जी, जी। मुख्य सड़क मार्ग नहीं जा पा रहा है, सड़क मार्ग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर वहाँ कोई जैसे माना कि कोई ड्रेवरी होती है, कोई बच्चा होता है जी, जी, जी। तो उसको चारपाई पे लेके आते हैं, कोई बीमार हो जाए तो उसको चारपाई से लेके आते हैं, और कम से कम नहीं तो 2-3-4 किलोमीटर चल करके पहाड़ में से जब नीचे बयाना पहुँचते हैं वो लोग, तो वहाँ विकट समस्या है, उसको भी मैं अवगत कराना चाहूंगा आपके माध्यम से कि वो हमारे क्षेत्र की विकट समस्या है। वैसे अगर पूरे बयाना क्षेत्र की समस्या पे अगर ध्यान दें हम तो हमारे यहाँ एक गंभीर नदी चलती थी जी, जी। आज वो लगभग बंद है जी, जी। क्योंकि पांचने बांध से उसका पानी आता था जी। वहाँ बीच बीच में कई एनी कट बन गए जी। आज हमारे क्षेत्र में पानी की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है जी, जी। तो हमारा मुख्यमंत्री महोदय से ये अनुरोध है कि पांचने के बांध में अगर चंबल का पानी डाल दिया जाए तो इस क्षेत्र को एक तरह से ये क्षेत्र हरा भरा हो जाएगा, गंभीर नदी में पानी आने पर ये मुख्य समस्या है हमारे क्षेत्र जी जी जी। बिल्कुल प्रमुखता से रखी है दीवान जी ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को, अब देखते हैं कि आने वाले समय में वर्तमान में सरकार है अधिकारी है
इन बातों पे कितना सुध लेती है ये तो समय ही बताएगा। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया दीवान जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।